Today I have taken one of the longest flights. Yes, I am in Melbourne. इस चीज़ के मैं लाइवली फ्रस्ट्रेटेड पीपल कहता हूँ, मोस्टली 50 वीडियोस करते रहते हैं। बचपन में जब अक्सर रात को ऊंचे आसमान में जहाज़ों को गुजरते देखना, तो सोचना कि कैसे सफ़र इसमें लोग करते हैं, किस तरह का सफ़र होता होगा, और अब उन जहाज़ों में फिरते हैं, देख लें ऐसा भी होता है। और मेलबर्न आने की वजह ये कॉन्फ्रेंस है, पीएचडी भी करता है भाई। मैं ऑस्लो से मेलबर्न आया हूँ, और याद करें दो चीज़ें आपने नहीं भूली, एक नेक पिलो क्योंकि गर्दन अकड़ गई है, मैं भूल गया घर पर, और दूसरी विंडो वाली सीट नहीं ले रही, चाहे जितनी मर्जी बाहर बादल अच्छे लग रहे हो या कुछ और हो, बंदा फंस जाता है यार, उठना मसला। साथ वाले को कहो उठो, तो वो ऐसी कातिलाना नज़रों से देखता है बंदे को कि यार क्या कह दिया आपने। और ये बात हो रही थी उन लोगों की जो मेरी तरह इकोनॉमी में सफ़र करते हैं, जो फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं, मौज करो याशी करो। नहीं जी, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही हमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम याद आती है, जिसने पाकिस्तान की अक्सर बहुत पिटाई की हुई है। वो अलग बात है कि अभी हम यूए में सीरीज़ जीत गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अच्छा मुल्क है। ये चीज़ मुझे मेलबर्न की बड़ी अच्छी लगी है कि इन्होंने स्ट्रीट आर्ट बहुत ही प्यारा किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत अच्छे हैं, लाइवली हैं। सबसे अच्छी बात ऑस्ट्रेलिया की ये लगी कि यहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हैं। नॉर्वे में रह के नॉर्वेजियन सुन सुन के इंग्लिश ऐसे लग रहा है कि जिस तरह इंग्लिश होम लैंग्वेज है, और सुनते साथ ही समझ आ रही है। ये आप नहीं समझ सकते, ये वो लोग समझते हैं जो नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ और नॉन उर्दू कंट्रीज़ में रहते हैं। खैर, बुरा जोक था, मुझे पता है। गुड डे नाइट, हाउ यू आर डूइंग टुडे। ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट ट्राई कर रहा था, नहीं आ सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑस्ट्रेलिया।